जिले में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सजग दिख रही है। वहीं शनिवार को पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसपोट ने पुलिस लाइन स्थित एसपी कार्यालय में पुलिस पदाधिकारियों के साथ अपराध गोष्ठी की। मौके पर एसपी ने थाना प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अगले एक महीने तक पर्व त्योहार का मौसम है। दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा, धनतेरस, दीपावली, काली पूजा व छठ जैसा बड़ा त्योहार है। ऐसे समय में असामाजिक तत्वों की गतिविधियां बढ़ जाती है, इसलिए सभी थाना प्रभारी को विशेष चौकसी रखने की जरूरत है। बैंक व आसपास के इलाके में सादे लिबास में पुलिस कर्मी तैनात करने की बात कही। पर्व त्योहार के दौरान कोविड गाइडलाइन का पालन हो, इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अपने सीनियर ऑफिसरों के साथ समन्वय स्थापित कर विशेष चौकसी बरतने व पेट्रोलिंग पर खास ध्यान देने के निर्देश दिए। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिले तो हिरासत में लेकर तुरंत पूछताछ करें। अपराध गोष्ठी में सदर एसडीपीओ राजेंद्र दुबे, राजमहल एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह, बरहड़वा एसडीपीओ प्रदीप राव समेत सभी पुलिस निरीक्षक व थाना प्रभारी मौजूद। सभी थाने पे पीस कमेटी की मीटिंग आरंभ कर दी गई है। पीस कमेटी की मीटिंग की जा रही है, 107 वगैरह किया जा रहा है। साथ ही साथ बल की जो डिप्लॉयमेंट होनी है पंडालों की स्थिति, मेले की स्थिति को देखते हुए, तो उसके लिए भी आकलन किया जा रहा है और समय पूर्व हम लोग सारे जगह पर बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे। पदाधिकारियों के साथ मजिस्ट्रेट भी रहेंगे ताकि समाज के लोग, सभी लोग शांतिपूर्ण पर्व त्योहार मना सकें। साहिबगंज शहर में दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। नवरात्र करने वाले श्रद्धालुओं भी संध्या के समय मंदिर पहुंचकर माता की आरती के साथ पूजा अर्चना करते दिख रहे हैं। बता दें कि साहिबगंज शहर के 28 वार्डों में दर्जन भर के करीब दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और मेले का भी आयोजन होता है। सभी पूजा समिति के द्वारा पूजा पंडालों का कार्य जोर शोर से शुरू है। बड़ी दुर्गा पूजा समिति के कोषाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल के पूर्व दुर्गा पूजा में 8 से 10 लाख रुपया खर्च होता था, लेकिन कोरोना की वजह से पूजा में कुछ कटौती की गई है। साथ ही सरकार की गाइडलाइन के तहत पूजा की तैयारी की जा रही है। पूजा के दौरान पूजा समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए सैनिटाइजर तथा मास्क का भी व्यवस्था की गई है। एक बार में 4 से 5 भक्तों को प्रवेश करने दिया जाएगा। बताया कि कोरोना की वजह से इस बार भी मां का प्रसाद घर घर जाकर दिया जाएगा ताकि पूजा पंडाल में भीड़ न लगे। विसर्जन जुलूस में भी कम संख्या में लोग रहेंगे। इस लाइन का पालन करते हुए पूजा का आयोजन किया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग पालन, जो भी सरकार का गाइडलाइन दिया गया सारा चीज़ का पालन होगा। मेला को लेकर कुछ विशेष है नहीं, मेला लगने का आदेश है नहीं, ना लाइट लगने का आदेश दिया गया है, ताकि क्योंकि मेला में भीड़ भाड़ लगे, भीड़ भाड़ से मुक्त रहेगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रहेगा, मास्क जरूरी रहेगा। साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में शनिवार को थाना के समीप दुर्गा पूजा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया 4 पहिया वाहन का जांच किया गया। वहीं 2 पहिया वाहनों को रोककर वाहन चालकों से हेलमेट, चालक का लाइसेंस एवं डिक्की सहित गाड़ी के कागजात की जाँच की गयी। वही बिना हेलमेट के चालकों को सख्त हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया। मौके पर राजमहल थाना के एसआई ने बताया कि अपराध नियंत्रण और दुर्गा पूजा की बाबत जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत मोटरसाइकिल और 4 पहिया वाहनों को रोककर गाड़ी के कागजात, ड्राइवर के लाइसेंस, हेलमेट, डिक्की, बैग, झोला की जांच की गई। संबंधित गाड़ी का कागजात सही पाए जाने पर छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। मौके पर राजमहल थाना के पुलिस बल मौजूद थे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार 31 अक्टूबर तक चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शनिवार को नेहरू युवा केंद्र संगठन साहिबगंज के द्वारा बड़हरवा के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक विशाल कुमार कुशवाहा के नेतृत्व में नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 2 और बिंदुधाम पथ में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें प्लास्टिक के वेस्ट, कूड़ा कचरा सहित अन्य कूड़े कचरे को वार्ड 2 के वार्ड पार्षद जितेंद्र कुमार, सामुदायिक संगठन कार्यकर्ता रोशन कुमार, संतोष कुमार महतो व नगर पंचायत के सफाई कर्मियों के सहयोग से कचरा का संग्रह किया गया।
वहीं मौके पर विशाल कुमार कुशवाहा ने कहा कि बड़े हरवा नगर क्षेत्र के 20 गांवों से 600 किलो प्लास्टिक कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत नगर क्षेत्र के विभिन्न गांवों से अभी तक 300 से 350 किलो कचरा इकट्ठा किया जा चुका है, जिसे नगर के सफाई कर्मियों के सहयोग से शहर के बाहर डंप किया जा रहा है। मौके पर लोगों को आगे से इस प्रकार का कचरा न फैलाने के लिए जागरूक किया गया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से सभी लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि प्लास्टिक हमारे वातावरण एवं हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, इसलिए जिलेवासी भी प्लास्टिक कचरा का सही प्रबंधन करने के साथ साथ प्लास्टिक का उपयोग ना के बराबर करें। साहिबगंज जिले के राजमहल नगर पंचायत के द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री यात्री शेड का विधिवत उद्घाटन नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहम्मद के ताबुद्दीन शेख ने फीता काटकर किया। साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से कार्यपालक पदाधिकारी कंचन भदौलिया, झामुमो जिलाध्यक्ष शाहजहां अंसारी, केंद्रीय सचिव नजरुल इस्लाम समेत अन्य मौजूद रहे। सभी मुख्य अतिथियों ने बारी बारी सरकार की चल रही योजनाओं को लेकर आम लोगों को जानकारी दी। मौके पर झारखंड सरकार के द्वारा गरीब कल्याण को लेकर चल रही मुख्यमंत्री की खास योजना सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना के तहत दर्जनों लाभुकों से 10 रुपए लेकर साड़ी लुंगी धोती का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पदाधिकारी और नगर परिषद अध्यक्ष के द्वारा नवनिर्मित सेट का उद्घाटन किया गया। इस सेट से यह मैसेज जाएगा कि मुख्यमंत्री द्वारा जो पूरे साहिबगंज जिला में इस तरह का सेट ना, इससे पूर्व में हमारे नगर परिषद 20 साल हो गया होगा तो इस तरह का सेट नहीं बनाया। थाना के बगल में तो ब्लॉक के कैंपस के बगल में इस तरह यात्री सेट जो जगह जगह जो बनाया यात्रियों के लिए बहुत उपयोगी है। साथ में उस सेट में बहुत सारा खूबी है, जो पंखा लगा दिया है गर्मी के दिनों में और सेट में सेट दिया है पानी में बरसात में बचने के लिए लगाया गया। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री ने जो योजना निकाला इस तरह का, अभी तो मेरा कहने का मतलब है जो 5 साल चलना था 1.5 साल में कोरोना काल भी खा गया, अब तो स्टार्टिंग हुआ कि विकास खाका को तैयार क्या कर रहा है। नगर परिषद में बहुत ऐसा योजना छोटी छोटी है जो हमारे नगर परिषद को देखने को मिलेगा और बड़ी बड़ी योजना भी देखने को मिलेगा झारखंड सरकार के द्वारा। और आज हम लोग शुभारम्भ किए जो राजमार्ग मुख्यालय नगर परिषद राजमार्ग के द्वारा जो दिखाया गया है योजना, इस आज यात्री सेट में सोना सोबरन धोती साड़ी मुख्यमंत्री का जो द्वारा जो प्रारंभ किया गया है, इससे पूर्व में जब 14 महीना की सरकार थी हेमंत सोरेन की उसी टाइम यह योजना लागू किया गया था। इसके बाद हमारे 14 महीना समाप्त हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी सरकार आई जो इन्होंने ये योजना को बंद कर दिया। कंपनी 5 साल में इन्होंने इस योजना को बंद कर दिया। फिर हमारी सरकार आई झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुनः इसको स्टार्ट किया। तो गरीब को ये 2 बार मिलेगा साल में 10 रुपया देकर धोती साड़ी, साल में 2 बार मिलेगा गरीबों के लिए। इसे सभी जाति जिन्हें किसी एसटी सभी जातियों को 10 रुपया देकर मुख्यमंत्री ने योजना को लागू किया गरीबों के लिए।